हेलो फ्रेंड, मैं एस एन प्रजापति, एस एम बी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, और फ्रेंड यहां पर यह तीसरा अनुप्रयोग है, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फ्रेंड यहां पर क्या है कि एक आवेशित चालक है और उस आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी है। तो फ्रेंड यहाँ पर मान लिया कि यह कोई एक आवेशित चालक या प्लेट है और इसकी लंबाई आप अनंत मान सकते हैं, यानी ये जो चालक चालक है इसकी लंबाई कितनी है, अनंत हम ले सकते हैं, इस चालक की लंबाई अनंत मान सकते हैं, और इसके बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी है। तो फ्रेंड यहाँ पर जरा देखें, यह तार नहीं है, ये क्या है, एक चालक या एक प्लेट है, इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं, और इसके बाहर किसी बिंदु P पर, मान लिया यहाँ पर इससे R दूरी पर कोई एक बिंदु P है जिस पर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, जब इस चालक को आवेश दिया जाता है, धन आवेश से या आवेशित अगर चालक को कर दिया जाए, तो यह आवेश इसके बाहरी पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इस आवेशित चालक के बाहरी पृष्ठों पर समान रूप से आवेश वितरित हो जाता है। तो यहाँ पर इस चालक के दो पृष्ठ होते हैं, एक इस साइड का और एक इस साइड का, और दोनों साइड में जो आवेश है वह समान रूप से वितरित हो जाता है, बढ़ जाता है, और चालक के भीतर किसी प्रकार के इसके भीतर कोई आवेश नहीं रहता। और मान लिया कि यह जो भाग है यह प्लेट P1 है, इसको मान लिया कि यह प्लेट P1 है, यह प्लेट P1 या पहला प्लेट यहाँ पर 1 कर लें, और यह दूसरा प्लेट इसको 2 कह लेते हैं। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, पहले प्लेट के कारण, यानी इस पहले प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पर मान लेते हैं कि जो आवेश पृष्ठ घनत्व है या जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वह सिग्मा है। यहाँ पर मानेंगे कि माना चालक, और इसको प्लेट भी लिख सकते हैं, माना चालक प्लेट का आवेश पृष्ठ घनत्व, यहाँ पर इसका आवेश पृष्ठ घनत्व, यहाँ पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तब यहाँ पर जरा देखेंगे, पहले प्लेट के कारण, और यहाँ पर आपको फ्रेंड बता दें कि ये जो प्लेट है या जो चालक है यह निर्वात या वायु में रखा गया है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, पहले प्लेट के कारण बिंदु P पर, पहले प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, पहले प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहले प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लोग जानते हैं कि चादर के कारण, आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, इस पहले प्लेट के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको हमने E1 से प्रदर्शित कर दिया, और इसका दिशा इस पहले प्लेट से बाहर की ओर, और इसी तरह से इस दूसरे प्लेट के कारण भी यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वह भी E2, और वह भी इस बिंदु पर किधर रहेगा, बाहर की ओर रहेगा, क्योंकि धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह बाहर की ओर, और यहाँ पर दोनों की दिशा बाहर की ओर है, और दोनों का परिमाण भी क्या रहेगा, एक समान रहेगा, इसलिए ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जरा देखें, पहले प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह से, इसी प्रकार दूसरे
दूसरे प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और फ्रेंड यहां पर हम देखते हैं कि E1 और E2 दोनों का जो डायरेक्शन है वह बिंदु P पर इस चालक से बाहर की ओर है और दोनों की परिमाण क्या है समान है, अतः बिंदु P पर संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E=E1+E2 दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो E=  हो जाएगा σ/2ε0 + σ/2ε0 और जब यहाँ पर जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2σ/2ε0 टू से टू कट जाएगा और यहाँ पर E=  आ जाएगा σ/ε0। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या है यह एक चालक था, देखेंगे आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर इस चालक को दो प्लेटों से मिलकर प्लेट P1 और 2 से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, दूसरे प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 और दोनों के डायरेक्शन क्या है एक समान है, अतः यहाँ पर जो है दोनों का वैद्युत क्षेत्र आपस में क्या करेगा जुड़ जाएगा। और यहाँ पर इस प्लेट को चादर जैसा माना गया है और चादर के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह σ/2ε0 होता है। तो यहाँ पर दो चादर हैं, दोनों के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएँ हैं उनको जोड़ देंगे और यहाँ पर यह 2 से 2 कट जाएगा और आ जाएगा E=σ/ε0। और फ्रेंड यहाँ पर यह चालक निर्वात या वायु में रखा गया है।